अगर आप भी दे के आ रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10th के मैथमेटिक्स के फर्स्ट सेटिंग का सॉल्यूशन जो 2019 25 फरवरी को आज पूछा गया है, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है क्योंकि मैंने इसमें किया है 50 के 50 ऑब्जेक्टिव का विस्तार से हल और प्रूफ के साथ कि कौन सा ऑब्जेक्टिव आएगा ये दिया है। चलिए तो मिलाते हैं अपना आंसर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जिसमें मैंने किया है 10th बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के फर्स्ट सेटिंग के 50 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपको मिल सके एग्जामिनेशन अपडेट और एग्जामिनेशन क्वेश्चन के सॉल्यूशन सबसे पहले। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर पर। तो यहाँ पे हमारे पास बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के फर्स्ट सेटिंग का जो पूछा गया है मैथमेटिक्स उसका क्वेश्चन है जिसका मैं फुल एनालिटिक सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। आप दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे सॉल्यूशन पर एकदम बने रहें क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से और समझाकर। चलिए तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का होने की क्या प्रायिकता है? तो इक्का होता है 4 और टोटल पत्ता होता है 52। ठीक है, तो 4/52 को काट के 1/13 लाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 64:121। तो 64:121, तो भुजा जब निकालना होता है तो हम इसका रूट कर देते हैं, तो 64 का रूट 8 और 121 का रूट 11, तो ऑप्शन नंबर ए। अगर आपका कोई और भी सेट है तो आप रोक के वीडियो और आप उस सेट को मिला सकते हैं, ऐसा नहीं कि चले दूसरे वाले पे, क्योंकि जैसा मैं सॉल्यूशन करने वाला हूं वैसा सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, यहां प्रूफ के साथ सॉल्यूशन है। फिर बोल रहा है 6, 8, 9, x 13 का माध्य 10 हो, तो x का मान निकालिए, तो सबको जोड़ देते हैं 13, 13 और 9 22, 22 और 8 30, 30 और 6 36, 36 + x/1, 2, 3, 4, 5, 5 = 10, तो ये इधर आके हो गया 50, तो 50 में से 36 गया तो हो गया 14, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 90 तक दिया हुआ है, तो cos 90 का मान 0 होता है, तो जैसे ही 0 किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो उसका मान हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इसके कितने हल हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका 1/-3 करेंगे तो ये बराबर है 2/1/-3 करेंगे तो ये बराबर है 2/-6 के, सच में इसको काटेंगे तो 1/, लेकिन जब इसका सी बराबर करते हैं तो 5/1 आ रहा है, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसका होता है कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ ये तो बहुपद ही नहीं है, तो द्विघात समीकरण तो यहाँ पे द्विघात समीकरण ये नहीं होगा क्योंकि जब हम इसको इससे गुना करेंगे, बहुपद है मतलब जब इसको इससे गुना करेंगे तो x^4 चला जाएगा, बाकी आप सबको सॉल्व कीजिए कोई भी गड़बड़ नहीं होगा, सारा का सारा x के स्क्वायर में आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला होता है त्रिज्या r = √13^2 - 12^2, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा √25, यानी इसका हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके मूल समान हैं तो क्या होगा, तो इसका जो विवेचक है यानी b² - 4ac, तो ये देखिए यहाँ पे फंसाने के लिए दिया गया आप लोगों को, यहाँ पे b के बदले a है तो यहाँ हो जाएगा a² - 4bc = 0, यहाँ पे जो ये मार दिए उनका चला गया, यहाँ पे d है क्योंकि ax² वाला फॉर्मूला वो होता है, यहाँ पे b² - 4ac, तो b में भराएगा a - 4, a के बदले b और इसके बदले c, तो जिसने d मारा है उसका सही है। नेक्स्ट, tan θ बराबर यानी p = 3 और b = 4, तो h हमारा निकल जाएगा 5 पाइथागोरस प्रमेय से, तो sin θ = 3/5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है तो दूसरी की लंबाई भी 4 होगी, ऑप्शन नंबर डी। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है तो जब इसको बराबर करेंगे तो एक तो +-√2 आएगा, यानी एक -√2 और एक +√2। कौन सी अपरिमेय नहीं है, तो √121 अपरिमेय नहीं है, इसके बराबर होता है 11, बाकी और किसी का डायरेक्ट रूट नहीं निकल सकता है। tan 60 का वैल्यू होता है √3, जब स्क्वायर पूछ रहा है तो √3 का स्क्वायर 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य
तो देखिए शून्य को का योग तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस तीन इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो दो बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स प्लस टू, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ये किस पद में है, तो इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस वाला है, तो ये है चतुर्थ पद में, प्लस एक्स प्लस और वाई माइनस। नेक्स्ट, एक रेखा जो वृत्त के दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो केवल जीवा हो सकती है, क्योंकि स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब छूती है, प्रतिच्छेद भी नहीं करती है। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा का वैल्यू यानी बी का वैल्यू तीन और एच का वैल्यू पाँच, तो पी का वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा चार, तो टेन थीटा हो जाएगा हमारा चार बट्टा तीन, और जब इसको तीन से गुना करेंगे तो कट के दे देगा चार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पी ऑफ एक्स का वैल्यू इतना है तो इसके शून्यक कौन से हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें खाली चार होगा, चार को जैसे ही पुट करेंगे तो चार का स्क्वायर सोलह, चार तिया बारह माइनस में, और फिर यहाँ पे चार माइनस में, तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा माइनस बारह माइनस चार माइनस सोलह, जो प्लस सोलह से कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यदि खंबे की लंबाई जो है, जो खंबे की लंबाई के रूट तीन गुनी है छाया की लंबाई, तो जैसे ही टेन थीटा लगाएंगे यहाँ पे तो हो जाएगा एक्स, मतलब एक बटा रूट तीन, तो एक बटा रूट तीन देता है तीस डिग्री में, ऑप्शन नंबर बी। उधर छाया की लंबाई खंबे की लंबाई के रूट तीन गुनी है, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसमें क्या है, तो देखिए b प्लस सी का जो वैल्यू होता है वो होता है 180 माइनस ए, त्रिभुज के तीनों कोना का योग होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, तो b प्लस सी का वैल्यू 180 माइनस ए, तो जब हम यहाँ पे 180 माइनस ए पुट करते हैं तो साइन 180 माइनस ए बट्टा टू, तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बट्टा टू, तो साइन 90 माइनस ए बट्टा टू कितना होता है, तो कॉस ए बट्टा टू होता है, ऑप्शन नंबर सी। 21, इसका कोई हल नहीं है, तो के का मान कितना होगा, तो कोई हल नहीं के लिए के बट्टा छः बराबर माइनस पाँच बट्टा दो, ये तो देखिए बराबर है ही नहीं, तो यहाँ पे दो से कट गया तीन बार का और इधर चला गया, तो के इज इक्वल टू माइनस पंद्रह, ऑप्शन नंबर डी। पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, तो उनका मासा, अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा एक होता है। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई इतना है, तो उसका आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है एक बट्टा तीन पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट, इसका दसवां पद क्या है, तो इसमें ए बराबर है 54 और डी बराबर है माइनस तीन, तो जैसे ही आप T10 का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको आ जाएगा 27। आप नहीं जानते हैं T10 का फॉर्मूला तो कमेंट बॉक्स में आइए, मैं आपको बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है, अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी मीटर दूर है, तो 24 मीटर पश्चिम और फिर 10, तो ये 26 मीटर होगा, 24 का स्क्वायर 576 और 10 का स्क्वायर 100, तो 576 और 100 676 जो है वो 26 का रूट है, 26 का स्क्वायर है, तो कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि दो त्रिभुज, तो देखिए ए बी सी जो है जो पी क्यू आर के समरूप होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका माध्य कितना होगा, तो जब हम इसको जोड़ेंगे और बटा में पाँच करेंगे तो हमारा आ जाएगा, जोड़ने के बाद आ जाएगा 5x + 30 और बटा पाँच, तो 5x + 30 बटा पाँच का ए। नेक्स्ट, 38.5 सेंटीमीटर वाले की त्रिज्या कितनी होगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी 3.5 सेंटीमीटर, इसमें कुछ नहीं, पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5 आप डालिए, पाई का मान 22/60 डालिए और भाग गुना कीजिए, तो आर का वैल्यू आपको 3.5 सेंटीमीटर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घटना ई के लिए पी ऑफ ई हमेशा, इसमें देखिए पी ऑफ ई कभी कभी बराबर होता है ना, किसी घटना ई के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो पी ऑफ ई लगभग छोटा होता है जीरो से, पी ओपी जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, पी ओपी निगेटिव नहीं हो सकता है, पी ओपी एक से बड़ा नहीं हो सकता है, बहुत होगा तो पी ओपी एक के बराबर होगा, ठीक है, पूर्ण घटना की प्रायिकता 30। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो एक घन का किनारा 14 है, तो इससे गोला काटा गया है, तो उसका क्षेत्रफल, उसका आयतन लगभग कितना होगा, तो देखिए जब घन से काटा जाता है तो इसका आधा हो जाता है, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 7, और जब आप गोले का आयतन निकाल लेंगे
चार बटा तीन पाई आर क्यू, तो आपको मिलेगा 1437 ऑप्शन नंबर बी। आपको अगर नहीं पता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आइए, मैं बता देता हूँ। साइन 18 को जब कॉस में बदलेंगे तो ये कॉस 72 हो जाएगा, कॉस 72 कट के एक ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का ए और इतना का लासा, तो फॉर्मूला होता है लासा गुना मासा बट्टा पहली संख्या या दूसरी संख्या, तो दो दूनी चार ऑप्शन नंबर सी। यदि दो चर के घातांकीय, यदि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या एक होगी, प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या होगी केवल एक। नेक्स्ट, इतना का परिसर क्या होगा, तो परिसर यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा यहाँ 30 दिख रहा है और निम्न सीमा यहाँ 9 दिख रहा है, तो इसका परिसर हो जाएगा 31। परिसर यानी उच्च सीमा 30 में से निम्न सीमा 9 घटा दिए तो हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर 35 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट थीटा किसके बराबर है, सारे लोग जानते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बीच की दूरी क्या है, दूरी सूत्र लगा दीजिए, एक में से पाँच गया माइनस एक में से पाँच गया तो चार का स्क्वायर 16, और फिर तीन में से सात गया तो फिर माइनस चार का स्क्वायर 16, 16 का रूट 4√2। इसके मूल बिंदु से दूरी क्या है, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, उसका रूट हो गया 10। फॉर्मूला होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, बस वो लगाइए आपको निकल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है एक। समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी है तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुना भुजा, तो 2 कट गया, √3 ऑप्शन नंबर बी, √3/2 गुना भुजा होता है ऊंचाई के लिए। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो है कि कौन से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो किसी घटना की प्रायिकता एक से बड़ी नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर ए, बाकी सारे एक से छोटे हैं। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 45 डिग्री, क्योंकि दोनों 45 पे ही देता है 1/√2। 6 से कितना, तो इसको कुछ नहीं करना है, 6 × 6 × 6 × 6/2 × 2 × इसको काटेंगे जब हम, तो कट करने के बाद ये दे देगा 27, ठीक है, 3 × 3 × 3 तो 27 ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट आइए, इसका लासा और मासा का अनुपात क्या होगा, तो इसका लासा 60 हो जाएगा और मासा 5 हो जाएगा, अनुपात 12:1 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना, तो 2 का स्क्वायर 4 × 5 और 3 का स्क्वायर 9 × 3, यानी 5 × 20/27 ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच, तो 1 से लेकर 49 तक में 25 विषम संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 4 × 8 ऑप्शन नंबर सी। इसको मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा 4 × 6/3 और यही होगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ नहीं जोड़ के हो 2 कर दीजिए। 49 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है 8 − 4/2 तो 2 और 6 × 2 = 8/2 ऑप्शन नंबर सी, है ना, दोनों को जोड़ के 2 करेंगे, है ना, तो 4/2 हो जाएगा। समांतर श्रेणी का कौन सा पद बहराशि है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए बराबर हो जाएगा 2 और डी बराबर हो जाएगा 4, तो एनवा पद बराबर बहराशि इसका मैंने बनाया भी था, एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका सॉल्यूशन, एनवा पद, एक सेकेंड, एक मिनट मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ, एनवा पद, एक सेकेंड आप रुकेंगे, मैं सॉल्यूशन, हाँ देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने किया है इसका, ए बराबर ये देखिए, तो एक ऐसा आंसर आया है, आप जो रोक के देख सकते हैं वीडियो, तो यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सॉल्व करके इसको दिया है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करें, लाइक कर दो और शेयर भी जरूर कर दो, ताकि मैं इसी तरह से ग्रो होता रहूँ और आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाता रहूँ। चलिए, तो सेकेंड सेटिंग के लिए भी आप वेट कीजिए।